झारखंड के उत्कृष्ट विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी का अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा जोरदार स्वागत करेगा। क्लर्क से लेकर सर्वश्रेष्ठ विधायक तक का बनने का सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा। अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष ईश्वर सागर चंद्रवंशी और प्रदेश अध्यक्ष बजरंग वर्मा ने झारखंड के अन्य विधायकों को रामचंद्र चंद्रवंशी से सीख लेने की नसीहत दी है। झारखंड विधानसभा के उत्कृष्ट विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी का सफर काफ़ी संघर्ष से भरा रहा है। रामचंद्र चंद्रवंशी एक साधारण क्लर्क से लेकर मंत्री तक का सफर उन्होंने संघर्षों से तय किया है। कभी विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र सामंतों का क्षेत्र माना जाता था। 90 के दशक में मंडल आंदोलन के दौरान रामचंद्र चंद्रवंशी ने ये संकल्प लिया कि इस इलाके में पिछड़ों को अब उनका हक और अधिकार दिलाना है। इसी बाबत उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया। सरकारी नौकरी छोड़कर वो समाज सेवा में आए और उसके बाद 1995 में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर पहली बार वो विधानसभा पहुँचे। बिहार विधानसभा में सदस्य बनने के साथ ही उन्होंने आगे राष्ट्रीय जनता दल में अपने सफ़र को तय करना शुरू कर दिया। उसके बाद 2014 में वो मंत्री बने और 2014 में मंत्री बनने के साथ ही 2021 के लिए उत्कृष्ट विधायक का उन्हें पुरस्कार राज्यपाल रमेश बैस के हाथों मिला। समाज सेवा में काफ़ी आगे रहने वाले रामचंद्र चंद्रवंशी ने समाज को एक मिसाल पेश की है और पलामू के इलाके में शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया है। ऐसी स्थिति में इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता और पलामू में विद्यार्थियों और जहां उनको शिक्षा मयस्सर नहीं होती थी उनको हर घर में शिक्षा पहुंचाने के संकल्प के साथ ही रामचंद्र चंद्रवंशी अब झारखंड के सर्वश्रेष्ठ विधायक हैं। अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा ने उन्हें सम्मानित करने के साथ ही उन पर गर्व करने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि रामचंद्र चंद्रवंशी जैसे अगर समाजसेवी और जनप्रतिनिधि हों तो समाज का कल्याण। चंद्रवंशी समाज में पूरे झारखंड में हर्ष का माहौल है। इसके साथ ही बिहार यूपी दिल्ली में भी लोग चंद्रवंशी समाज के लोग काफ़ी खुश हैं। पहली बार किसी चंद्रवंशी समाज के विधायक को उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार मिला है। उन्हें चंद्रवंशी महासभा झारखंड प्रदेश की ओर बधाई देता हूँ। श्री चंद्रवंशी समाजसेवी भी हैं। उन्होंने मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है और उन्होंने जो घोषणा की है कि मैं शहीद के परिवारों को क्लास वन से इंजीनियरिंग तक फ्री पढ़ाऊँगा, ये काबिल तारीफ है। और उन्होंने समाज का मान सम्मान बढ़ाया है। हम लोगों ने समाज की ओर से उनका भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। वे हमारे समाज के राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं। पूरे देश भर में चंद्रवंशी समाज को एकजुट करने में उनका अहम योगदान है। साथ ही साथ वे अन्य लोग वर्गों का भी समाज सेवा के माध्यम से काफ़ी मदद करते हैं। चंद्रवंशी जी एक मामूली किरानी थे और उन्होंने समाज सेवा उनके टूट टूट कर उसमें भरी हुई थी। इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ करके विधायक का चुनाव लड़ने का मन बनाया और उस वक्त विश्रामपुर में उन्होंने एक बहुत ही दबंग नेता को हरा करके विधायक बना। उसके बाद से आज तक वे लगातार विधायिका के साथ साथ समाज सेवा भी करते आ रहे हैं और उन्होंने जो कार्य किया समाज के लिए वो अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और इस विधायक का पद मिलने के बाद उन्होंने जो आश्रित के परिवार को क्लास वन से इंजीनियरिंग तक पढ़ाने का काम का जो बीड़ा उठाया है उससे अन्य राजनेताओं को भी सबक सीखना चाहिए। अगर देश भर के राजनेता इसी तरह शहीद के परिवारों को गरीब कुचलों को पढ़ाने का काम करें, उनको मुफ्त शिक्षा देने का काम करें तो पूरे देश भर में समाज का और गरीब लोगों का भलाई होगा। हो सकता है। मुखर संवाद के लिए रांची से शिल्पी की रिपोर्ट। उस्ताद आफत में पड़ी है जान। उस्ताद उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। आप
अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ मुखर संवाद,